हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे हम किस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। काइन मास्टर में जो वीडियो आप उन सेविंग करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी। आप उसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम आती है समथिंग वेंट रॉन्ग विल बी द सेविंग, इसको आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो आइए हम सबसे पहले आपको काइन मास्टर को ओपन करना है। जैसे आप काइन मास्टर को ओपन करते हो आपको सिंपली सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको एडवांस एंड द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्सपेरिमेंटल सेटिंग पे क्लिक करते हो तो अनलिमिटेड वीडियो लेयर को आपको सिंपली कंटिन्यू अवे पे कर देना है। इसके बाद में अनेबल एडिटिंग, अनेबल एंडिंग वीडियो क्लिप्स विद अप 240, इस पर आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में अनेबल सेविंग विद द 60, इसको भी आपको कंटिन्यू ऑन कर देना है। ऑडियो रिकॉर्डिंग, इसको भी आपको क्लिक कर देना है। सिंपली इसके बाद में आपको बैग में आ जाना है। बैग आते आपको एडवाइज द कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको रनिंग एनालाइज पे क्लिक करना है। इस पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद में आपको ये 20 सेकंड लेगा ये इसको पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने पे। हार्डवेयर परफॉर्मेंस एनालाइजिंग इन द प्रोग्रेस, जिसे आपकी हार्डवेयर परफॉर्मेंस एनालाइजिंग प्रोग्रेस कंप्लीट होने के बाद में आपको तुरंत बैग में आ जाना है। जो भी प्रोजेक्ट आप इसके अंदर कंप्लीट करना चाहते हो आपको वहाँ पर चले जाना है। जैसे प्रोग्रेस कंप्लीट होती है आपको तुरंत अपने जो भी प्रोजेक्ट आप यूज करते हो उसको सेविंग में प्रॉब्लम आ रही है आपको सिंपली उस पर जाके क्लिक करना है। आपको बैग में आ जाना है। जो भी प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करना चाहते हो तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एरो के निशान पर क्लिक करना है और सेविंग पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते सिंपली दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो आपकी सेविंग स्टार्ट हो जाती है बिना कुछ प्रॉब्लम के। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, वंदे मातरम।